हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है पालक पनीर। पालक पनीर बनाना बिल्कुल आसान है, वो भी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ली है पालक। पालक के मैंने दो बड़े बंच लिए थे, उसको अच्छे से साफ कर लिया था और पत्तों को निकाल दिया था, उसको वॉश भी अच्छे से कर लिया है। अब हम इसे बॉईल करना है, तो मैंने आधा ग्लास इसमें पानी डाला है और 5 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमें दूसरी तरफ मसाला ग्रेवी बनानी है, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद में हम डालेंगे कोरिएंडर सीड 1 टेबल स्पून, साथ में मैंने यहाँ पर डाला है क्यूमिन सीड आधे स्पून जितना, और इसी के साथ में हम मिलाएंगे गार्लिक 5 और जिंजर मैंने 3 छोटे पीसेस लिए हैं, ग्रीन चिली 4 से 5। थोड़ा सा भून जाएगा तब हम यहाँ पर मैंने मिलाया है ऑनियन 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप्ड, और उसी के साथ में हम यहाँ पर मिलाएंगे टोमेटो। टोमेटो मैंने 3 छोटे साइज़ के लिए हैं। इन सबको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि वो थोड़ा सा पक ना जाए। तो आप देख सकते हैं वो अच्छा सा पक गया है। मैंने यहाँ पर धनिया मिलाया है और उन सबको अच्छे से मिक्स किया है। अब यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी मिलाएंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमारा मसाला बनकर तैयार है, थोड़ी देर उसको ठंडा कर लेंगे। तो दूसरी तरफ हमारी जो यहाँ पर पालक है बॉयल हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 बड़े ग्लास ठंडा पानी डालेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पालक के पत्ते हैं वैसे ही ग्रीन रहेंगे जब हम उसका प्यूरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पालक है हम उसकी प्यूरी बना देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 ग्लास जितना पानी डाला है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यूरी बनकर तैयार है, उसका बहुत ही प्यारा कलर आया है। साथ में जो मसाला था वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर जो मसाला हमने ग्राइंड करने के लिए रखा था वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसका स्मूथ पेस्ट चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बड़ी छलनी ली है। अब हम इसमें डालकर उसको छान लेंगे ताकि हमें स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट मिल सके। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमारी मसाला ग्रेवी तैयार है और यहाँ पर दूसरी तरफ स्पिनेच की प्यूरी भी तैयार है। तो हम बनाने चलते हैं पालक पनीर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और पैन को मीडियम फ्लेम पे रखा है, और साथ में मैंने यहाँ पर 6 से 8 छोटी क्यूब के बटर मिलाए हैं, और उसी के साथ में हम यहाँ पर मिलाएंगे 1 टेबल स्पून जितना ऑयल। ऑयल मैंने रिफाइंड यूज़ किया है, और उसी के साथ में मैंने 3 छोटी दालचीनी, 1 बे लीफ मिलाया है। थोड़ा सा पक जाए उसके बाद में हमने यहाँ पर मिलाया है मसाला ग्रेवी, और उसको चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि उसमें एक बॉयल आ जाए। अब जब बॉयल आ गया है तब हम इसमें मिलाएंगे पालक की प्यूरी, और पालक की प्यूरी मिलाने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप सभी देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। जब भी हम पालक की इस तरह की प्यूरी बनाते हैं तो उसको बॉईल करने के बाद में यदि आप ठंडे पानी से उसको धो लेंगे तो उसका कलर वैसा ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पर पनीर मिला देंगे। पनीर मैंने 300 ग्राम जितना लिया है, और उसको हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 मिनट के लिए उसको मीडियम फ्लेम पर लीड लगा कर कुक कर लेंगे, ताकि जो मसाला है पनीर में अच्छे से कोट हो जाए। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पालक पनीर है वो बनकर तैयार है, और जो पनीर है उसमें भी मसाला अच्छे से कोट हो चुका है, और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बना है। यदि आप सभी को मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।